बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बाहर किचन। आज हम बनाएंगे मलबार मटन दम बिरयानी। इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और उसी के साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर दीजिए। तो चलिए इसे अब हम इसको फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चावल को भिगो लेंगे। मैं यहाँ पे बासमती चावल ले रही हूँ, ये 3 पाव चावल है। लगन के अंदर डालेंगे। चावल डालने के बाद इसके अंदर पानी डाल रही हूँ। पानी डालकर चावल को आधे घंटे तक भिगो कर रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैस पे कुकर रख रही हूँ, इसके अंदर 3 टेबलस्पून जितना घी डालेंगे। अब इसी के अंदर आधा कप जितना तेल डाल रही हूँ। इसी कटोरी से 2 कटोरी डालेंगे, ये 1.25 कप वाली कटोरी है। अब तेल हमारा थोड़ा गर्म हो गया है। इसके अंदर 5 स्लाइस की हुई प्याज डाल रही हूँ। ये 5 बड़ी प्याज को लेकर मैंने अच्छे से स्लाइस कर लिया है, पतला पतला। प्याज के अंदर थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, प्याज जल्दी से भुन जाएगी। अब इसको अच्छे से सुनहरी होने तक भून लेंगे। अब हमारी प्याज थोड़ी सी सुनहरी हो चुकी है, इसके अंदर से थोड़ी सी प्याज निकाल लेंगे। निकाल कर अलग से रखेंगे एक कटोरी के अंदर। देखिए मैंने इतनी प्याज निकाल लिया है। अभी इसी प्याज के अंदर 1 टीस्पून सौंफ डाल रही हूँ, 8 लौंग, 6 हरी इलायची, 1 तेज पत्ता। इसके अंदर से आधा तोड़ कर डालेंगे, आधा बचा कर रखेंगे। और 8 से 10 हरी मिर्ची, इसको मैंने तोड़ के डाला है। डालकर इन सबको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब इसके अंदर 3 टेबलस्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। 2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून गरम मसाला, और इसी के साथ 2 टेबलस्पून जितना पानी डाल रही हूँ। डालकर इन सबको अच्छे से भून लेंगे मसाले को। अब हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है, देखिए तेल भी छोड़ चुका है। अब इसके अंदर 4 बड़े टमाटर डाल रही हूँ, कटे हुए स्लाइसेस में। डालकर टमाटर को सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। देखिए अब हमारे टमाटर अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं, तेल भी छोड़ दिया है। अब इसके अंदर 1 कप पुदीना डाल रही हूँ कटा हुआ, 1 कप कटा हुआ हरा धनिया। डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं यहाँ पे 1 किलो मटन ले रही हूँ हड्डी समेत, इसको कुकर के अंदर डाल देंगे। नमक टेस्ट के हिसाब से, और 1 कप दही डाल रही हूँ। डालकर इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा मसाला और गोश्त 1 हो चुका है। अब कुकर बंद कर देंगे। कुकर बंद करके 4 से 5 सीटी लगा लेंगे। अब 5 सीटी हो चुके हैं, गैस ऑफ कर देंगे। गैस ऑफ करने के बाद कुकर को हम दूसरी जगह रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब मैं यहाँ पे गैस पे एक दूसरा बड़ा पतीला रख रही हूँ, इसके अंदर 1 टेबलस्पून जितना घी डालेंगे। इसके अंदर आधा तेज पत्ता मैंने बचा कर रखा था ना, वही डाल रही हूँ। 3 हरी इलायची और 4 लौंग और 4 दालचीनी के टुकड़े डालकर थोड़ा फूटने देंगे लौंग को।
अब लौंग फूट चुके हैं। इसके अंदर प्याज डाल रही हूँ, मैंने निकाल कर रखा था ना थोड़ी देर पहले, वही। डालकर अच्छे से भून लेंगे। अब ये अच्छे से भून चुकी है। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, मैंने थोड़ा बचा कर रख लिया था, वही डाल रही हूँ। हरा धनिया और पुदीना कटा हुआ डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब अदरक लहसुन का पेस्ट भी अच्छे से मिक्स हो चुका है प्याज के अंदर। इसके अंदर 6 ग्लास पानी डाल रही हूँ मैं। यहाँ पे 3 ग्लास चावल लिए थे, यानी कि 1.25 किलो, इसी हिसाब से 6 ग्लास पानी डाल रही हूँ। अब इसमें नमक डाल रही हूँ टेस्ट के हिसाब से, और इसमें 1/2 टीस्पून जितना नींबू का रस निचोड़ेंगे। अब इसको कवर करके पानी के अंदर उबाल आने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब पानी के अंदर अच्छा सा उबाल आ चुका है, चावल भी 1/2 घंटे से अच्छे से भीग चुके हैं। चावल को हम पानी के अंदर डाल देंगे। चावल को अच्छे तरह से मिक्स करके चावल को पकने देंगे, फिर से इसको हम कवर कर देंगे चावल पकने तक। चावल को ज्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 80% जितना ही पकाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारा कुकर भी अच्छे से ठंडा हो गया है, इसको अब हम ओपन कर लेंगे। ये देखिए हमारा गोश्त भी कितने अच्छे से गल चुका है, इसको एक बॉल के अंदर निकाल लेंगे। देखिए मैंने पूरे गोश्त को निकाल लिया है, कुकर के अंदर खसी बच गई है, इसको हम चावल के अंदर डालेंगे। अब चावल के लिड को ओपन कर देंगे। देखिए हमारे चावल भी कितने अच्छे से पक गए हैं, आपको निकाल के दिखाऊंगी, और कितने खिले खिले नजर आ रहे हैं। अब आंच को धीमी कर देंगे, इसके अंदर से भी 1/2 चावल निकाल लेंगे। देखिए मैंने पतीली के अंदर 1/2 चावल छोड़ दिए हैं, इसको एक जगह कर लेंगे। अब इसके अंदर गोश्त की घसी डाल रही हूँ, डालकर अच्छे से फैला लेंगे इस तरीके से, ज्यादा हिलाना नहीं है, चावल टूट जाएंगे नहीं तो, इस तरीके से किनारों में फैला लेंगे। अब इसके ऊपर चावल की दूसरी लेयर डालेंगे। अब मैंने चावल की दूसरी लेयर भी डाल दिया है। अब इसके ऊपर गोश्त डालेंगे। अब गोश्त के अंदर भी थोड़ी सी घसी बच गई है, थोड़ी सी इसके ऊपर इस तरीके से डालेंगे। अब इसके ऊपर 1/2 नींबू का रस निचोड़ेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे इस तरीके से। कटे हुए पुदीने के पत्ते, कटा हुआ हरा धनिया डालने के बाद दोबारा से इसको ढाप देंगे। अब पतीले को थोड़ी देर के लिए हटा लेंगे। मैंने आंच को धीमी करा था, आंच को हाई पर रख कर इसके ऊपर एक तवा रख रही हूँ, लोहे का पुराना। अब इसके ऊपर बिरयानी का पतीला रख देंगे, रख कर इसको हम ढाप देंगे। ढाप के 10 से 15 मिनट तक बिरयानी को दम होने देंगे धीमी आंच में। मैंने आंच को हाई फ्लेम में कर दिया था, आंच को धीमी कर रही हूँ, तो चलिए 15 मिनट बाद हम मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब 15 मिनट हो चुके हैं, हमारी बिरयानी अच्छे से दम हो चुकी है, गैस ऑफ कर देंगे। गैस ऑफ करके इसको और 15 मिनट तक रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब 15 मिनट से हमारी बिरयानी अच्छे से रेस्ट कर चुकी है, अब इसको ओपन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारी बिरयानी कितने अच्छे से दम हो चुकी है। बिरयानी को हम निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
माशाल्लाह ये देखिए हमारी बिरयानी कितने अच्छे से दम हो चुकी है, चावल भी कितने खिले खिले दिख रहे हैं। इसको डिश आउट कर लेंगे। इसके ऊपर थोड़ा पुदीने से गार्निश कर देंगे, हरे धनिया से, और नींबू के 2 स्लाइसेस रख रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे मलबार मटन दम बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। फ्रेंड्स आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और उसी के साथ फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।